और ये मैच स्टार्ट होता हुआ आज दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल दोनों ही दो दिग्गज टीम के बीच में दोनों ही बहुत ही संतुलित टीम है साजोम बगान सिजवा और राज प्लस टू पाकुड़ इस समय ग्राउंड के उत्तरी छोर से जो ग्रीन कलर के गेंद में जो टीम को हम लोग देख पा रहे हैं ये टीम है हमारे राज प्लस टू पाकुड़ और ग्राउंड के दक्षिणी छोर से ब्लू कलर के गेंद में एफसी साजोम बगान सिजवा आज दिन का ये लास्ट मैच और टूर्नामेंट का ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल स्टेपन को मैं देख रहा हूं इस मुकाबले में इनको भी जोड़ा गया है इस बार फर्स्ट राउंड के मैच में एब्सेंट थे यहां कहीं ना कहीं स्टेपन जो कि गोलकीपर में अपना कमान को संभाल रहे हैं और यहां से दिलीप को भी मैं देख रहा हूं इस मैच में इनको भी मौका दिया गया है देखो एक बॉल गति लहाना अपराधक फिर से स्टेफन टुडू दिलीप लगी दिलीप का पास थ्री पोजिशन रन डोंगना पास से कोई लगती मांगता है क्या दिलीप से कोई नोडे कोई चलिए आप बॉल को सप्लाई कर दीजिए परिमल सोरेन जी क्योंकि आपके पास जो 6 सेकंड का समय रहता है उससे पहले ही आपको गेंद को रिलीज करना होगा सूरज हाफ लाइन पर अभी तगड़ा गाते बोला खिलाड़ी के नाइट अडिमोस ग्राउंड एंड पासेस बैंक एंड वा बीच रहे फिर से सरजम बगान सिजवा टीम चाहे हम जलखा सिजवा टीम चाहे हम जलखा राज वस्तु पापुड़ बनारगी निवासन थाल परग्रह अंतर्गत रहे अटिगी घीना चुना टीम रन नहीं लिखा और लुकिंग टीम मूत्र गेम देखो एक पहला अनवा क्वार्टर फाइनल का तो पहले दिन अपन यल जाना अडिमोस लॉपिंग पास नवा बीच रहे और देखो बॉल वापसी लगी हर संभव प्रयास को नहीं कहीं ना कहीं भोजे टुडू पिछा पास और एक चार नंबर है गतिल हाथ क्या पुल नया ना पुल ना भरा कौन सा बेक होते हैं पामे देखो तो लेकिन नंग रहा ना चुप रहा नोटे कोई ना स्विंग बॉल को जमा जबकि राइस प्लस टू पार्ट टीम नवाब देख रहे बॉल ठीक है बाहर है भोजे उन्हें फटिंग मोच सितां सितां ते गति लहाव का जे 8 नंबर उकाद है बुद्धिस्वर हंस दवा क्षेत्र ना नीत नवाब बीच रहे फिर से बोसु जी बोसु ने बॉल कंट्रोल करते हैं डिमोज लहा से पासिंग ऑप्शन से तो एक लुकस से गति कर दिया लुकस दो बेकास टीम ने कैप्टन चीमा लगी चीमा वा बेहतर पास था करना मैंने कहा और इस बीच में फिर से बॉल धीरे धीरे गोलकीपर स्टेफन हेब्रोन के पास चले गए ऐसे में सुभाष ने वहां से पास खेला रामचंद्र के लिए रामचंद्र का वहां पास जबकि समांतर दिशा में रामचंद्र पास सहायक ना हालांकि नवाबी से ने परिमल सोरेन अटेगी नामी ग्रामी गोलकीपर बना 3 से 1 रन जल खाए बड़े स्टेफन हेब्रोन हॉडी बेहतर कीपिंग वाला गोलकीपर और नोडन यल का सिजवा टीम पर परिमोल सोरेन चिबा बॉल जीता कुते बॉल लहा से बढ़ाना प्राग रहे मैन कैनवा बीच रहे
स्टेप वन टू डू नोडे खे सवाल करना जे सेमीफाइनल थी सेटर लगी बना टीम हर संभव किन कुन पे जे नवा मैच रे जे का तो सेमीफाइनल थी लबे दिए लगी काफी जजान की लगा बना टीम जी और जहां तक टीम जी हम बुझा में जे सेमीफाइनल थी सेटर लिखा दी तो 15,000 टका दे कंफर्म कर दा आया खाते रे अगर उन्हें बुझा लगा जे सेमीफाइनल थी अगर सेटर लिखे तो तीन जी बुझा का मैं होया अकाउंट रो बेटा में 15,000 तो पेमेंट हो आकर और नोटे कोई जिजान के लगाओ का बना टीम की नवा बीच रहे दो नंबर गणेश बाप की गणेश अडी मोज पास चीमा लगी चीमा उन्हें कोई ग्राउंड एट पास आयरन सपोर्टिंग लुकस है का ठीक है दिया लुकस नहा उन्हें कोई बॉल धीरे धीरे उन्हें क्रॉस पलाया डी मोज बैंक का टीम ने देखिए अनुभवी डिफेंडर बनाया जबकि कंफू हंसता तगड़ा क्लीयरेंस नेक्स्ट बॉल बाबू पे बीच रे बॉल सीधे बीच बीच में फिर से लुकास का बेहतरीन क्रॉस हो सकता है मौका लेफ्ट फिंगर के खिलाड़ी वहां गेंद को कंट्रोल कर लिए है देखना होगा अभी भी मौके की तलाश में गेंद को क्रॉस लेने का प्रयास लेकिन देखना होगा किस प्रकार किस एंगल में क्रॉस लेंगे अभी सरजोम बगन सिजवा अच्छा क्रॉस निकला है लेकिन टीम के बहुत ही भरोसेमंद डिफेंडर के बीच में इस बार ये तो होगा ऑफसाइड अगर ये ऑफसाइड ना होता तो निश्चित रूप से यहां से अच्छा फिनिश हो सकता था बीच बीच में बेहतर खेल बेहतर प्रदर्शन रोचक मुकाबला चल रहा है दोनों ही टीम की तरफ से रामचंद्र हल्का सा एक पास कृष्णा को ढूंढ के निकला है कृष्णा बरंडी का एक बेहतरीन पास देखना होगा इस बार फिर से चीमा ने एक पास आगे की ओर गेंद को सरकाया था लेकिन इसी समय पर फिर से लुकस ने गेंद को जीता है अच्छा पास देखना होगा विद्धन गेंद को लेकर आगे निकलने का प्रयास लेकिन इस बीच में फिर से सरजोम बगन सिजवा टीम हल्का सा एक पास लुकास को खेल दिया है लेकिन यहां से ये रूम टेकल और एक अच्छा सुनहरा अवसर एक सेंटिस को जीतेंगे निश्चित तौर से सरजोम बगन सिजवा टीम किसको है गप्पा चला रहा तीन जी तीन रोडे पर चेल करा शॉट है जीवा रेड पर शॉट मेन टाई गोलकीपर स्टेफन हेमरम अच्छा कंटोला नवा साउथ के तेगी नवा दो पही आपे को सहयोग आपे को सपोर्ट माध्यम ते की तेही नॉय नवा टूना बेन हा हेता में मोचो दो कगार रेदा केंद्र नवा सेकंड हाफ मोचो लेन खाई रमेश बंडी रमेश फंडिंग में खेते तो अट्टी बढ़िया बोले पास लहा हुआ और अड़ी लंबे अनुभव मुड़ा नहीं कर खाई नवा बीच रहे कृष्णा बेक पासे का तिया में मैंने नवा बीच रहे फिर से बॉल जीते ना प्राग रहे बिलीव
मेंशन सिजवा टीम ने फिर अड्डी तगड़ा को सनमाइदा जेने राज प्लस टू साउ तगड़ा मुकाबला चला कंत को बॉल बॉयज बॉल्स बॉल मार तो बबम चलिए अड्डी बेहतर शॉट लगा ला ने स्टेपन टुडू बट टुडे कई बॉल पोजीशन की सर जम बगन सिजवा फिलहाल बाबीच रहे लुकस असुर चला रहे देखो ऐसा कंटस चला कर मैं कहना बार बीच रहे बॉल प्ली कोई बार है ऐसा तो ही वहां बीच रहे देखो विक्रम ब्रंडी हल्का मिचा प्लेस का सुभाष लगी सुभाष को देख पास टीम में अटक गई अनुभवी डिफेंडर नोटे कन्फर्म हंसता कन्हू तो ले राइट हाफ जबकि कृष्णा का फिलहाल गया मैं फिर से कन्हू लंबा अब हवाई शॉट मैकेनवा दिख रहे फिर से फुल देखना पोजीशन कोई था ना मचा को गति लहाव करने से जीवा टीम बट उन्हें कोई बॉल विक्रम देखना होगा इस बार सूरज बहुत ही सुंदर पास बढ़ा दिया है लेकिन यहां से गोलकीपर परिमोल सोरेन फर्स्ट टाइम में गेंद को सुरक्षित ग्लव में जीत लिए है परिमोल का अच्छा पास लेकिन इस पिच फिर से अच्छा गेंद को खेल दिया है देखना होगा इस बार लेकिन इस बीच वहां मौका बन रहा था जरूर बबलू के द्वारा मौके का फायदा तो नहीं ले पाए अगर लेफ्ट फुटेड को वहां इस्तेमाल करते तो निश्चित रूप से यहां फायदा ले सकते थे और देखा अगर लहंगा जी का थोड़ा गन है हथवाज आप लिखा है बबलू जी तो देखो कुछ मौका बना हुआ मैन का मैन मार्किंग अटे सही तह करा जे साजम बगन सिजवा टीम से कोई नवा बीच रहे लुकर सनी मोजे क्रॉस तलाव का हमने खोई मैन का फुल में एक ना पोजीशन पे तगड़ा वापसी इच्छा के लिए रन और दिशाओं देखो हर संभव को प्रयास दा जन देखो सिजवा टीम अजीत तक्की मोज बेक पास छह नंबर लगे मैन का उन्हें शॉट थोड़ा गन नवा ने उसी तरीके से पार बॉल लो प्ले कोई बाहर चलाना उन्हें नहा मिट्टी कड़ी इंजर्ड करना डीप नोडे कोई राज प्लस टू पाकुर दिलीप थोड़ा गन उन्हें पासेस रनेश लगे रनेश तो देखो सुभाष रेडी मोच उन्हें का तिलहाव का अनुभव बीत रहे ठीक से देखो गणेश बैंक का डीमोच चतुराई जब देखो बैक हेडिंग बाद हम तुमने गाते कि हम परिमोल सोरेन और जी खेले गेंद को सरकाया है लेकिन इसे समय पर यहाँ फंस गए जी आपके ट्रैक में तो कल दिन का मैं आप सभी को बेसब्री बताना चाहूंगा कल दिन का जो मैच होगा एफसी सुरेन ब्रदर्स और एफसी पीएमसी जी बाबूपुर हिरनपुर के बीच सेकेंड मैच होगा एफसी बीरबाल बापी के अंदर दुमका और एफसी केएफसी कल्याणी साहेबगंज के बीच कल दिन का जो थर्ड मैच होगा पागल बाबा एफसी पाकुड़ और एफसी साहेबगंज के बीच में साथ ही साथ कल दिन का जो फोर्थ मैच होगा डिंगरा बॉयज काठीकुंड दुमका और जय जिदेव क्लब फरोजबुना के बीच इस बीच में ये मैच बहुत ही घमासान रोचक मैच चल रहा है इस बीच बेहतरीन शॉट लेकिन और यहां से स्टेफन टुडू के द्वारा ये बेहतरीन शॉट और अच्छा फिनिश गोलकीपर वहां परिमोल चकमा खा गए और आखिरकार गोल में कन्वर्ट हो गया अब देखना होगा यहां से मैच का रोमांच बढ़ेगा जरूर क्योंकि ये सेकेंड हाफ का मैच है और सेकेंड हाफ के मैच में गोलकीपर वहां प्रयास किए थे कि अच्छे से गेंद को कंट्रोल करने के लिए लेकिन उस प्रकार से गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए आखिरकार गेंद जो है नेट में समा गई
अभी बेहतर शॉट जल्ला जो स्टेपन टुडू का तो घात काली सार काली के नाम लेते स्टेपन स्टेपन से नवा खुबी मिला जे अभी जिलिंग फाइ शॉट कते गोल ना नवा खुबी मिला थे अनुई करे थे और आई बात ग्राउंड रेम का नियल करना जे अभी जिलिंग जिलिंग फाइ शॉट गोल और तीन वाकिरे उनका शॉट कते गोल हो जल्ल वा क्वार्टर लगन बैठ रहे फिर से कन्हू ने कोई रामचंद्र वाबी से थोड़ा गेंद मिस पास बैठकर रमेश बन के होल्डिंग मिडफील्डर को टीम मच बॉल बढ़िया मचाई पास लहा उतरा दबा बीच रे बॉल बना तीन रन उड़े कोई बैंकाई नोटे थ्रोइंग डाउटर चले जल्दी करेंगे आप जितना लेट करेंगे इतना समय को जोड़ा जाएगा ये इसलिए लेट ना करें यहां से अच्छा थ्रोइंग करने के बाद इस पिच में अच्छा खेल चल रहा है इसी बीच में बनेश्वर अब देखना होगा बुसू को भी मैं देख रहा हूं आगे की ओर गेंद को ले जाने का प्रयास कर रहा है इस पिच में फिर से अच्छा पास लेकिन देखना होगा बचे हुए समय पर यहां से सरजोम बगान सिजवा टीम क्या मैच को बराबरी कर लेंगे इस पिच में यहां से स्टेपन हेमरम गेंद को बहुत ही सुंदर कलेक्ट करने के बाद अपने सहयोगी स्टेपन को ही पास निकाला इस बीच में बबलू काफी तेज रन के साथ गेंद को जीतने का प्रयास लेकिन तीन नंबर ने गेंद को वापसी कर लिया है छह नंबर के लिए छह नंबर पर कहीं ना कहीं जैनाथ टुडू जैनाथ ने अजीत को खेला अजीत ने वहां से फौजे को ढूंढ के निकला है और इस बीच में फिर से देखना होगा इस बार अजीत ने अच्छा पास बनेश्वर को खेल दिया है बनेश्वर का बेहतरीन शॉट लेकिन सीधे गोलकीपर स्टेफन हेब्रम के पास चली गई गेंद और जो मौका बना था वो टूटा हुआ इस वीक में पिच है परिमल सोरेन परिमल सोरेन के द्वारा जो चूक हुए हैं यह बहुत अफसोसजनक होगा लेकिन पूरे टीम में भी जो भरोसा जताए थे कि लेकिन ये देखिए इस बार भी फिर से मौका बन रहा है राज प्लस टू पाकुर टीम रमेश होल्डिंग मिडफील्डर से बहुत ही बेहतरीन ये गेंद को सप्लाई कर रहा है इस बीच अच्छा पास यहां से प्रियम का इशारा है हो सकता है मौका और ये बेहतरीन गोल बबलू के द्वारा और कहीं ना कहीं दो सुने के बाद राज प्लस टू पाकुर दो और एक सी सरजोम बगान सीजवा सुनिए अब जो उम्मीद था दर्शकों का वह उम्मीद भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा निराश होता हुआ सभी दर्शक लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है ये फुटबॉल के खेल में क्या होगा नहीं होगा और बस अगर प्रयास करेंगे सिजवा टीम तो निश्चित ही यहां से कभी भी मैच में अंदर लाके मैच को वापसी कर सकते हैं लेकिन इस पिच में फिर से जो बुसू ने गेंद को जीतने के बाद एक अच्छा क्रॉस निकाला लेकिन सीधे गोलकीपर स्टेफन हेमरम के पास चले गई गेंद अभी बेहतर गाते चला करना नवा मैच लीग बबलू थे बॉल वाकई में ये बहुत ही अच्छा खेल चल रहा है लेकिन अभी तक दो सुने से बिछड़ते हुए नजर आ रही है
और देखना कैसे समय पर क्या यहाँ से मैच में अंतर ला पाएंगे सरजोम बगन सिंहवा। वक्त रहते थे आप प्रयास रहे बेसिक है यहाँ मैच में अंतर के साथ वापसी भी आना है, बसरते आप जोश और जुनून के साथ प्रयास करें एक अच्छा वापसी। इस बीच में फिर से सिजवा की टीम ने गेंद को क्रॉस निकलने का प्रयास, अच्छा क्रॉस खेल दिया है लेकिन पुनः फिर से अच्छा हेडर टीम के बहुत ही अनुभवी डिफेंडर कन्हो हजदा के द्वारा। और समांतर दिशा में वहां पास को खेलना चाहा लेकिन गेंद निकल जाएगी टच लाइन से बाहर। इस बीच में थ्री को जीतेंगे और सूरज हस्ता के लिए बैक पास करने के बाद एक लंबा पास उसको खेल दिया है। देखना होगा रामचंद्र मरंडी गेंद को जीतने का प्रयास लेकिन इस बार गणेश के लिए गेंद, गणेश उड़े पे धीरे धीरे लहा से उड़े पे पास हाफ लाइन दे गति लहा होगा हाफ लाइन पे बनगनी दिलीप उड़े पे बहुत तो कोई गति क्या बनते बैटन बॉल नोडन जल पे कहना के मुसुल को गति लहा होगा। बुसु उन्हें कोई नहीं मुझे क्रॉस तलाव का उन्हें कोई मौका ही अपना संभावना बट उन्हें कोई जहां मौका की मांग बना ला बॉल सीधे टच लाइन कोई बाहर है। लीथो काफी संघर्ष रमना हुआ काफी परिश्रम रमना कर रहे सरजोम बगन सिजवा टीम अभी बेहतरीन क्रॉस मैन का तगड़ा डिफेंस चीप। नेक्स्ट बॉल माफ कर और तीन तो कमिटी मेंबर को मिला पे लिया पिया और कोई को तो पसे उड़ा से रे मिला पे खाए कहना के नीड बॉल गति को है कहते हैं तो मां पे हम भाई बैठे हैं उतने से करो पे सीधा ये नवा मैच मुझे नहीं खाए वो हां गपल मराता है ना नवा पहली दिन रे क्लब रे गाड़ी कोड़ा कुंडा के आपे थे नेहोर कना जापे अडी उतरन बा स्टेज पे से रे बा सीधा जे नवा मैच मिचिल कते नहा कटी मरा नबु थे ओका तो गपल मरा समय था ना दोना इते नीट फगिंग बड़ाई छे पे जे थोड़ा से बाउन जला इस बीच में फिर से रामचंद्र ने ग्राउंडेड पास खेल दिया है फिर से बबलू इस बार क्या मौका बनेगा और ये फंस गए हैं ये ऑफ के ट्रैक में यहां से भौजे टूटू गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास खटी मोच पति के नाम बेंगल से संजम बगान सिजवा टीम और केंद्र गोल ना कमजोरी नुटे जनक ना शरीर नवा मैच रहे फिर से चीमा उन्हें टीम बैंक कैप्टन फिर से चीमा उन्हें फिर मौका याम दाव देखो बैंक का नुकसान सोट रहे गोल उस रा बाग युवा स्टेफन थे ना जे स्टेफन हो डे अनुभवी गोलकीपर कनाए स्टार गोलकीपर कनाए उन्हें इतने इन आसान बैंक का नुकसान सोट रहे गोलो नवा साउ सुगे थे कि नवा मैच का फुल टाइम से नवा मैच जो उन्हें की मुचड़